नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आलू के ताज़ा मंडी भाव व महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसानों को आलू के इस साल भी भाव नहीं मिल रहे, साल दर साल किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। बड़ी उपज के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के संकट का कोई अंत नहीं। किसानों पर खेती में लागत बढ़ने के कारण कर्ज बढ़ रहा है। किसान ब्याज चुकाने में भी असमर्थ हैं, जिसके कारण किसान और वित्तीय बोझ में फंसते जा रहे हैं। इन सब का जिम्मेवार हमारे नेता हैं, जो हर चुनाव में आलू की खेती को लाभकारी बनाने के सपने दिखाकर किसानों से वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसानों की सुध तक नहीं लेते। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन किसानों की हालत की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इस वर्ष खराब मौसम व आलू की कम मिलती कीमतों से किसान मायूस दिखा दे रहे हैं। चुनावी साल होने के बावजूद भी आलू के दाम काफ़ी कम हैं, तो चुनाव के बाद क्या होगा? आलू के दाम तेज़ होंगे, ये सोचने वाली बात है। बात करें अलग अलग वैरायटी के आलू के ताज़ा मंडी भाव की, तो कानपुर में मीडियम आलू के भाव रहे 780 रुपये प्रति कुंटल। कन्नौज में कुफरी आलू बिका 930 रुपये प्रति कुंटल। अलीगढ़ में कुफरी आलू के भाव रहे 910 रुपये प्रति कुंटल। वहीं बात करें इंदौर मंडी की, तो नया ज्योति आलू इंदौर में बिका 1150 रुपये प्रति कुंटल। इंदौर मंडी में चिप्स और आलू के भाव रहे 900 रुपये प्रति कुंटल। धन्यवाद।